हाँ देखिए बेटा, एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो ये पीवी डायग्राम दे रखा है आपको साइक्लिक प्रोसेस का। तो कैसे मान लीजिए ऐसे हुई प्रोसेस, इस डायरेक्शन में हुई, यहाँ से चले वापस ऐसे ऐसे आ गए, और इस प्रोसेस में क्यू टू ऐड हुई है, इस प्रोसेस में क्यू थ्री ऐड हुई है, ये वाली एडियाबेटिक बोल दिया मान लो उसने, आप ये एडियाबेटिक है और ये आपका क्यू वन है, ठीक है। ये दे रखा है बस, और कुछ नहीं दिया हुआ है। क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री आपको क्लियर है, ये क्यू वन और क्यू टू आप हीट एब्जॉर्ब करिए, तो क्यू वन क्यू टू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, धर्मान जल्दी से बताना बेटा एक बार। क्यू वन दिए, क्यू टू लिए गैस ने, और यहाँ पर क्यू थ्री रिलीज की है, तो क्यू वन क्यू टू पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? क्यू वन क्यू टू क्या है, पॉजिटिव, और क्यू थ्री, हाँ क्यू थ्री नेगेटिव है। तो इस प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस है, तो वर्क डन कितना होगा ये बता सकते हो? वर्क डन कितना होगा? नहीं, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की टर्म में आपको गिवन केवल क्यू वन है। गिवन क्या है, जैसे इसमें आपको केवल क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री गिवन है, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे लिखते हैं चलो बाद में बताना, पहले देख लो एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है। एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस कैसे लिखी जाती है, एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस कैसे लिखते हैं? ईटा इक्वल टू, ये एफिशिएंसी होती है, हीट एक वर्क डन अपॉन हीट सप्लाई टू द सिस्टम। क्या होता है, वर्क डन बाई गैस, ठीक है ना, नेट वर्क डन, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर नहीं, नेट वर्क डन बाई गैस इन साइकिल। ध्यान से देखिए बेटा, बिल्कुल गलती ना हो कभी। एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है किसी साइक्लिक प्रोसेस की, नेट वर्क डन बाय द गैस इन द साइकिल डिवाइडेड बाय हीट टेकन बाय द सिस्टम। ये ध्यान रखें आप, नीचे क्या आएगा, केवल खर्चा क्या है हमारा, जितना हीट देनी पड़ रही है वो हीट दे रहा है सराउंडिंग को, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये नेट वर्क डन हमारे काम की चीज है, और खर्चा सारा हीट का होता है बेटा इसमें। तो इसलिए एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना, एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस, तो ये हमेशा लेस देन वन आती है बेटा, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस है। देखो अभी देखते हैं, चलो, नेट वर्क डन बाय द गैस इन द साइकिल डिवाइडेड बाय, क्या बोल रहा हूँ मैं, हीट सप्लाई टू द सिस्टम, हीट सप्लाई टू सिस्टम, ठीक है ना। नेट वर्क डन बाय द गैस इन साइकिल इक्वल्स टू हीट सप्लाइड, बाहर देने वाली नहीं है, ओनली पॉजिटिव क्यू, ये भी लिख देता हूँ, ओनली पॉजिटिव डेल्टा क्यू आएगी। तो आप कौन बता रहा है, क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की टर्म में साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा? मान लो ए से स्टार्ट किया, बी सी डी वापिस ए पर, तो इसमें वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, जल्दी बताइए, कौन बताएगा? कोई है? नेट वर्क डन बाय द गैस इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा, नेट वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस कितना होगा, नेट वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस? क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस अनिकेत, बिल्कुल सही है आपका आंसर, एकदम साइक्लिक प्रोसेस है ना बेटा। धर्मांश क्लियर है क्या? साइक्लिक प्रोसेस का डीयू कितना होता है बताओ बेटा, साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू कितना होता है? जीरो होता है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ आप बोल सकते हैं ना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ नेट वर्क डन इन द प्रोसेस, ठीक है ना। फ्रॉम फर्स्ट लॉ में क्या बोल सकता हूँ कि वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल या हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द साइकिल डेल्टा क्यू किसके बराबर होगा? डेल्टा डब्ल्यू नेट के बराबर होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू नेट कितना आ गया, क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री आ गया, ठीक है। नेट वर्क डन कितना आ गया, क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री आ गया, ठीक है। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आ गई इस साइक्लिक प्रोसेस की, एफिशिएंसी निकल के आ गई आपकी वर्क डन कितना हुआ डिवाइडेड बाय हीट कितनी सप्लाई हुई है, डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू नहीं तो डेल्टा क्यू एस लिख देते हैं, केवल सप्लाइड वाली, पॉजिटिव वाली। तो टोटल वर्क डन तो ये है क्यू वन प्लस क्यू टू माइनस क्यू थ्री, और आपका जो डेल्टा क्यू एस है वो कितना है आपका, क्यू वन प्लस क्यू टू, केवल पॉजिटिव वाला लेंगे, ठीक है।
तो आपका नोट बस यही है कि किसी भी साइकिल की एफिशिएंसी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ऑलवेज लेस देन 1 होगी। ठीक है, अब क्यों होती है इसका रीजन नहीं, तो इसका एक लॉ बन गया, अपन पढ़ेंगे सेकेंड लॉ, कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि Q3 जीरो हो जाए, ऐसा साइकिल पॉसिबल नहीं। दिस इज द सेकेंड लॉ, नेचर का लॉ है, रीजन नहीं मिला तो हम जाएंगे धीरे धीरे। इसका मतलब यही है कि आपकी गाड़ी अगर चलेगी तो गर्म तो होगी होगी, गर्म हुए बिना इंजन की गाड़ी चल जाए, ऐसा हो गया अगर, तो सेकेंड लॉ फेल हो जाएगा। ठीक है ना, वो बात करेंगे सेकेंड लॉ में, बट अभी आप ध्यान रखें कि एफिशिएंसी साइक्लिक प्रोसेस की इज ऑलवेज लेस देन 1। डिफिनेशन क्या है, वर्क डन अपॉन पॉजिटिव हीट टेकन। तो साइक्लिक प्रोसेस में या तो हीट पता हो या टोटल वर्क पता हो, तो हर तरह से निकाल सकते हैं आप किसी भी साइकिल की। एक एग्जांपल मैं करा रहा हूँ आपको एक बार, ठीक है, जिसमें आप एफिशिएंसी निकालेंगे और भी चीजें देखेंगे उसमें।